बहुत ही सकेत रास्ता है, पतला रास्ता है, बड़ी हिसाब से चलना पड़ेगा और हर जगह ब्रेकर बना हुआ है। इन सबों में सब्जी का दुकान और कपड़े का दुकान, जूते का दुकान, उसके बाद दवाई खाना यानी मेडिकल, गाड़ी का सामान, हर चीज़ यहाँ पे, यानी कि मैं देख रहा हूँ हर चीज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे त्रिपाल भी है, देखिए इस द्वार पे क्या बना हुआ है, ये लिखा हुआ आई लव यू के अशे, ये सब पार्क है और सऊदी अरबिया का झंडा लहराता हुआ शान से आप देख सकते हैं। ये देखिए द्वार, यहाँ पे इतना साफ सफाई होता है, देख लीजिए आप लोग, इतना साफ सफाई होता है, कचरा का नामो निशान नहीं होता है, देख लीजिए। तो भाई ससुरा, ये पानी कहाँ से आ गया रोड पे, बारिश भी नहीं हुआ है। बगल में देख लीजिए पेड़ पौधा, इधर खाली है मकान, और ये रहा पेड़ पौधों का दुकान। ये जॉर्डन की गाड़ी है, जॉर्डन की भी गाड़ी आती है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में काम बहुत है भाई साहब, बशर्ते कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर भी काम डाउन पड़ा हुआ है, इसका असर यहाँ पर भी बहुत हुआ है। इसे मालूम पड़ रहा है कि जो भी कितने लोग छुट्टी चले गए, कंपनी बंद हो गई, उसके बाद वीजा नहीं निकल रहा है, इसे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर भी कोरोना वायरस का तगड़ा यानी कि मार पड़ी है सऊदी अरबिया में भी। लेकिन माशाल्लाह अभी यहाँ पे लोगों की कमी है बहुत, इंशाल्लाह जल्दी ये लोग वीजा निकालेंगे और माशाल्लाह हर देश से लोगों को बुलाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और देखता हूँ कि सऊदी अरबिया कितने देशों को यानी कितने देश के लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आके देखा हर देश के, यानी हर देश बोले तो यानी कि एशिया के बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, ये सब, ये तो हो गए अपने आसपास के, फिलीपीन के लोग हैं, उसके बाद गल्फ के भी लोग होते हैं जैसे सूडान, मसर, यमन, यानी इस देश के भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं सऊदी अरबिया में। तो जैसा कि मैं एंट्री किया था सर्रार में गेट से, और अब सर्रार सिटी से बाहर जाते हुए, अब देखिए सामने गेट दिख रहा है, अब मैं सर्रार से बाहर जा रहा हूँ, और गेट से बाहर बाय बाय सर्रार, और बाहर आते ही देख लीजिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली। और इस रोड पे, इस एरिया में यानी ट्रैफिक बहुत कम है, बड़ी गाड़ी भी बहुत कम है, छोटी गाड़ी भी बहुत कम है। आने वाले यही राजा बनेंगे सऊदी अरबिया का आने वाले समय में, अभी तो फिलहाल सलमान नाम है उनका जो अभी सऊदी अरबिया का राजा है, उनके बाद यही आएंगे। और सर्रार के बाद ये सिटी आया है, पता नहीं कौन सा सिटी है, छोटा मोटा है, अभी आगे पड़ेगा सिटी, अभी तो ये शुरुआत है उसका। उस साइड रोड का काम चालू है तो इसको सिंगल रोड कर दिए हैं लोग, इसी पे इधर से मैं जा रहा हूँ और उधर से गाड़ी आएगी, उस साइड वाला रोड बंद है, काम चालू है। बहुत लंबा है, सिंगल रोड बना दिए हैं लोग और उस साइड में काम चालू है, अब आखिरी आ गया है। यहाँ पे घास लोग बेच रहे हैं, घास
यहाँ पे समाप्त। छोटी गाड़ियाँ लोग बहुत परेशानी होता है क्योंकि बहुत ओवर स्पीड चलते हैं। अभी देखिए मैं इस पे चल रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा स्पीड छोटी गाड़ी चलती है, देख लीजिए। तो लैंड क्रूजर ओवरटेक मार के जा रहा है। ये स्केल है, हाईवे रोड से साइड में बना रहता है, तो इसलिए कि ओवरलोडिंग होगा तो इधर पेनाल्टी देगा। इसके लिए स्केल लगा हुआ था, जिसको अरबी में मीजान कहते हैं। वजन ज़्यादा होगा तो फिर टन के हिसाब से मुखालफा मिल जाएगा, पेनाल्टी मिल जाएगा। वजन नहीं ज़्यादा तो फिर टेंशन नहीं है, और इसमें लाजमी आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, सीधा सीधा चले जाएंगे तो फिर और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मुखालफा है, पेनाल्टी है। अभी तो कैमरा लग गया है आगे, अगर जो सीधा सीधा जाएंगे, यानी देखिए अभी मैं इस हाईवे रोड पे मिलने जा रहा हूँ, और सीधा सीधा चला आया होता तो फिर कैमरा मिलता बीच में आगे, और कैमरा मार देता ऑटोमेटिक, तब मुखालफा ज़्यादा आता। यानी मैं भाग रहा हूँ, मीजान पे नहीं जा रहा हूँ, स्केल पे नहीं जा रहा हूँ। रियाद और दम्माम के हाईवे रोड पे पहुंचने वाला हूँ, उससे पहले सिटी है, पता नहीं कौन सा सिटी है, इसका नाम नहीं मालूम है। अभी मैं रियाद और दम्माम हाईवे पहुँच जाऊँगा, मुझे उस रोड पे नहीं जाना है, मुझे आगे निकल जाना है हफूक के लिए। ये सब दुकानें हैं हर चीज़ की। तो क्या हुआ है, बीच रोड में ही खड़ा कर दिया। और ये सब गाड़ी उर्दन की है, उर्दन जॉर्डन, कोई उर्दन बोलता है, कोई जॉर्डन कहता है। जॉर्डन से हम लोग सब लोग जानते हैं। देखिए खजूर का पेड़ लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइसेंस के बारे में, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था लाइसेंस पे। जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि लाइसेंस मैं जब 2012 में आया था तो फर्रे वाला पन्ने वाला लाइसेंस मैं लेकर आया था, जिस पे मेरा लाइसेंस बन गया। लेकिन अभी वो फर्रे वाला नहीं चाहिए, अभी लाइसेंस आपका कार्ड वाला लाइसेंस मांग रहे हैं लोग, कार्ड वाला, जिस तरह एटीएम होता है, एटीएम कार्ड होता है, या और सारे भी जो आयकर विभाग का कार्ड होता है, जैसे भी, यानी कार्ड सिस्टम आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए जिस पे चिप लगा हो, वैसा अलग कार्ड रहेगा तो आपका इधर लाइसेंस मान्य होगा और लाइसेंस सऊदी अरबिया में बनेगा। और उम्र के बारे में बता दिया था, ट्रेलर लाइन में, ट्रक ड्राइवर में उम्र कम से कम 21 इयर्स लाजिम होना चाहिए, 21 साल लाजिमी चाहिए ट्रक ड्राइवर में, तब आपका वीज़ा लग जाएगा आराम से। 21 साल नहीं होगा तो फिर वीज़ा आपका नहीं लगेगा, 21 साल होने के बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। तो ये सब ख्याल कीजिए, 21 साल और कार्ड वाला लाइसेंस कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, वही लाइसेंस मान्य होगा। ये सीन देखिए कितना जबरदस्त, मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, डाउन होके फिर चढ़ाई है। और इस एरिया में आप लोग सुने होंगे ना, सऊदी अरबिया में तेल गैस सब निकलता है, ये सब वही एरिया है। इन सब एरियों में इन्हीं जमीन के नीचे तेल है, गैस है, यही सब जगह ही है। आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि सऊदी में तेल है, गैस है, बहुत तेल है। तेल कहाँ है आप लोगों को मालूम है? नहीं ना, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वही जगह है, ये जो दिख रहा है ये सब वही जगह है, तेल गैस वाला एरिया यही है। इसमें चेक करके हर जगह से तेल गैस इन्हीं सब जगहों से निकाला जाता है, वही वही एरिया, सब वही एरिया है। ये पाइप देख रहे हैं आप लोग, पाइप गया हुआ है इधर से, इसमें से यानी कि तेल निकाल के दूसरे साइड और जा रहा है, तेल होगा या गैस होगा, इसी पाइप से दूसरे और जा रहा है। इधर भी पाइप दिख रहा होगा, यानी चारों तरफ
पाइपों से भरा हुआ और मशीनरी एरिया, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो भी दिखाऊंगा। आप लोग सोचते होंगे सऊदी अरबिया में कहाँ से तेल निकलता है, तो यही वो जगह है जहाँ से तेल वो निकलता है। और तेल निकालने का काम सऊदी अरामको, अरामको कंपनी है, वो तेल निकालता है, अरामको कंपनी।